वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम सिंसिनेटी डाउनटाउन आए हुए हैं, तो यहाँ पे देयर इज अ फेस्टिवल इज गोइंग ऑन कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिंसिनेटी। तो इट्स एन ईयरली फेस्टिवल जो 3 डेज का होता है और हर मेमोरियल डे के वीकेंड में होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूड ट्रक्स और लोकल रेस्टोरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक सब अपना स्टॉल यहाँ पे आके लगाते हैं। तो यहाँ मोर देन 100 डिशेज होती हैं टेस्ट करने के लिए, और जैसे आपको साउंड आ रहा है तो काफ़ी लाइव म्यूजिक भी रहता है। तो अभी हम चलते हैं और सारी टेस्ट करते हैं और आप बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो लेट्स गो। सो अभी हमको एंटर करते ही यहाँ पे एक टेस्ट ऑफ बेल्जियम का स्टॉल दिख गया। तो ये सिंसिनेटी डाउनटाउन में इनका एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है, तो ये अभी इनका स्टॉल लगा और यहाँ पे इन्हें सारे फूड आइटम्स के सैंपल रखे हैं कि जो जो इन्हें अपने स्टॉल में रखा है। तो यहाँ पे इनके सारे प्राइजेस भी दिए हैं कि क्या क्या प्राइजेस हैं इनके। बट हमने सोचा कि अभी थोड़ा अंदर चल के घूमते हैं, फिर देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे, तो अभी यहाँ पे फेस पेंटिंग वाला हमको स्टॉल मिला है, तो अनायशा को अभी फेस पेंटिंग करवाना है, तो वही अभी हम जाके करवाते हैं। अभी वो चूज कर रही है कि उसको क्या पेंट करवाना है अपने फेस पे। तो अनायशा डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू पेंट? बम्बलबी। ओके लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे अनायशा की फेस पेंटिंग चल रही है। अनायशा तो अभी हम फेस पेंटिंग करा के आगे निकल आए और ये देखिए काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं, काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा 4-5 स्ट्रीट में पूरा ये फेस्टिवल चल रहा है। तो काफ़ी लोग हैं और ये सामने देखिए एक बैंड भी है, तो उनका भी लाइव म्यूज़िक चल रहा है, काफ़ी हैपनिंग लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हमको यहाँ पे एक चीज केक का स्टॉल दिखा है, तो अभी हम जाके यहाँ पे चीज केक लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पे काफी वैरायटीज है चीज केक की, तो अभी हमने ओरियो चीज केक लेने का सोचा है, तो अभी वही जाके लेते हैं। 1 ओरियो चीज केक। यहाँ स्टॉल पे ने पॉर्क, सी फूड और पाइनएप्पल चिकन इस टाइप से आइटम्स रखे थे, और उनका क्वांटिटी भी डिस्प्ले किया था कि आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा। और ये यहाँ पे फ्रोज़न मार्गरीटा $12 में, स्वीट टी $5 में ऐसे मिल रही थी। फिर आगे हम गए तो हमको ये यहाँ पे एक कैंटीना ब्रांड का ये यहाँ पे प्रमोशन चल रहा था, तो ये सारे ड्रिंक्स जो हैं उसके सैम्पल दे रहे थे टेस्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर उनका रेंच वाटर ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा था ये। This mango pineapple tea. Is it like a with poppy boba or the tapioca one? Tapioca. Tapioca. Yeah. Actually, can you add both? Can you add both? Oh wow! Thank you. Thank you. Have right here. Okay. तो हमने यहाँ पे बोबा टी ट्राई की, मैंगो पाइनएप्पल बोबा टी हमने ली थी, तो टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी थी और प्राइस भी इसका काफ़ी चीप था बाहर के कंपैरिजन में, तो हमको यहाँ $5 में ही मिल गई थी। और आगे यहाँ हमको शार्वी दिखी और वो अनायशा को जैसे ही हक करने आई तो उसने अनायशा की फेस पेंटिंग देखी और वो भागी क्योंकि शायद उसको भी करवानी थी पेंटिंग। तो अभी हमको यहाँ पे दीपक और सुमेधा मिल गए हैं और इन्हें काफी कुछ घूम लिया है। तो अभी दीपक आप बताओ हम क्या खाने जाए, क्या क्या आइटम्स है? बहुत सारे ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन है। आप एक बार जाके देखो। ओके ऑलमोस्ट कम से कम $50 के ऊपर है, तो काफी सारा वैरायटी मिल जाएगा। हमने क्या खाया? आपका क्या फेवरेट लगा, आपको क्या अच्छा लगा? चिकन रोल, चिकन रोल, चिकन काठी रोल। ओके तो अभी हम दीपक के रिकमेंड पे जा रहे हैं। दारू भी मिल जाएगा, वो दारू हम नहीं पीते। तो हम अभी चिकन काठी रोल खाने जाते हैं। यहाँ शार्वी ने भी फेस पेंटिंग करवा ली और नाउ शी इज हैप्पी। कैन आई हैव दिस चॉकलेट बकलावा?
ask you. Okay. So I just bought this giant chocolate baklava. So ये बहुत बड़ा नहीं है, $8 का मिला तो थोड़ा सा ये मेरे को महंगा लग रहा है कि मतलब मेरे को लगा कुछ ज्यादा बड़ा सा होगा, $8 के हिसाब से काफी छोटा सा है, बट कोई नहीं, टेस्ट करते हैं इसको। फाइनली आगे जाके हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, माया इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आए, फिर हमने यहाँ पे सरदार जी से बात करी कि उन्हें क्या क्या आइटम्स रखे हैं यहाँ पे, फिर उन्हें बताया कि वो आज ही उन्हें यहाँ पे स्टॉल लगाया है अपना। सो काफ़ी कुछ उनसे पूछा हमने कि उनका रेस्टोरेंट कहाँ पे है, फिर हमने नेट पे भी उसकी रेटिंग चेक करी तो काफ़ी अच्छी 4.7 की है, तो मे बी इन फ्यूचर वी विल ट्राई देयर फूड। और काफ़ी अच्छा लगा इंडियन रेस्टोरेंट का स्टॉल देख के यहाँ पे। और आगे भी हम आ रहे थे तो फिर यहाँ पे एक गेम चल रहा था बेसिकली कि हमको ये बूट जो था उसको पोल के अंदर हैंग करना था, तो मैंने भी ट्राई किया बट कुछ हुआ नहीं, और फिर सुमेधा ने भी ट्राई किया तो बट उससे भी कुछ नहीं हो पाया हमसे, बट वी वर अनसक्सेसफुल, बट अच्छा था, मज़ा आया उसको ट्राई करके। फिर हम वहाँ से आगे चल दिए और यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइव म्यूज़िक चल रहा था, काफ़ी बड़े एरिया में है ये, और यहाँ पे बच्चों को काफ़ी मज़ा आया क्योंकि म्यूज़िक उनका काफ़ी अच्छा था, लाउड था, तो ये बच्चे भी खूब इंजॉय करे, इन्हें खूब डांस किया। फिर आगे चल के हमको यहाँ पे कैच अ फायर रेस्टोरेंट है तो उनका स्टॉल दिखा, तो ये पिज़्ज़ा, इट्स बेसिकली पिज़्ज़ा एरिया, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो फिर वो बंदा आया और उसने हमको दिखाया कि कैसे वो पूरा पिज़्ज़ा बना रहे हैं बिल्कुल। तो उनकी ये पूरा ट्रक की जो ट्रॉली थी उसी में उन्होंने अपना सेटअप करके रखा था, पूरा आगी वागी जला के और पूरा। और हमने इस रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा पहले भी ट्राई किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा रहता है, और फिर ये हमको सारे लोकेशन बता रहा था कि कहाँ कहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है, किस किस लोकेशन पर। आगे हमको शिकागो गायरो एंड डॉग्स का भी स्टॉल मिला, तो हमने यहाँ चिकन गायरो पूछा उनसे बट वो शायद तक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो हमें मिला नहीं। और हमने यहाँ देखा कि हमको बकलावा $3 में मिल रहा था जो कि हम वहाँ आगे $8 पे करा था हमने बकलावा के लिए। और ये यहाँ पे US में काफ़ी अच्छा रहता है कि सारे पोर्टेबल वॉशरूम्स रहते हैं, किसी भी इवेंट में जाएंगे तो आपको ये ऐसे वॉशरूम मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी यहाँ पर काफ़ी पुलिस भी रहती है कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए तो इमीडिएट पुलिस एक्शन ले सकती है। और ये बनाना पुडिंग का स्टॉल था तो यहाँ $5 में डिफरेंट टाइप की बनाना। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ फिनले मार्केट वेंडर्स जिनने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है, तो यहाँ पे उनको एक डेडिकेटेड एरिया दे दिया था फिनले मार्केट के वेंडर्स को कि वो अपने स्टॉल यहाँ पे लगा सकते हैं। और जिनको ये फिनले मार्केट के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए आप हमारा वीडियो ट्राई देख सकते हो जो हमने लास्ट टाइम बनाया था सिनसिनेटी डाउनटाउन पे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में हमने बताया कि फिनले मार्केट में कैसे क्या होता है, कितने लोकल वेंडर्स रहते हैं और सब कुछ, सो आप वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लगी? और अभी हम यहाँ पे टैको लेने के लिए रुक गए थे तो ये फ्लावा का स्टॉल है, यहाँ पे टैको लेंगे। और ये है हमारा चिकन टैको, इट्स अ काइंड ऑफ बरीटो टैको, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हमने टैको ट्राई किया बट पर्सनली मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा उसका टेस्ट, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा टेस्ट अलग था तो उनको पसंद आया।
तो अभी हमने जहाँ से एंटर किया था वहाँ से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत क्राउड है यहाँ पे भी। तो अभी और आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या फूड आइटम्स हैं खाने के लिए। प्रॉपर पूरा टेबल चेयर लगी हैं और सारे फूड ट्रक्स यहाँ पे खड़े हैं, तो सिलाई की पूरा उनको यहाँ पे एक एरिया दे दिया कि यहाँ पे सिर्फ फूड ट्रक्स ही खड़े हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेबल्स भी लगी हैं कि आप यहाँ पे ही बैठ के आराम से फूड इंजॉय कर सकते हो। और आगे हमारे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइव म्यूज़िक चल रहा है और काफ़ी बड़े एरिया में किया है इन्हें, और पूरा प्रॉपर शेड लगा है और टेबल चेयर भी लगी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। वॉक करने के बाद फिर हमको यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगी हुई दिख गई, तो हम लोग ने बोला कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ सब बैठे थे और बच्चों को तो उसमें भी मौज हो गई थी, काफ़ी अच्छा एरिया था यहाँ पे, तो बच्चे खेल सकते थे, तो अनायशा और शार भी तो खूब खेले। और ये यहाँ पे साइड में सब ये पोर्टेबल वॉशरूम्स थे, और ये वैन भी थी जो बेसिकली फॉर द छोटे बच्चों के लिए थी कि अगर डायपर चेंज करना है तो कर सकते हैं, और फॉर द फीडिंग मदर्स, तो ये काफ़ी अच्छा था। और फिर अभी यहाँ पे शाम भी हो गई थी, तो काफ़ी सारी लाइट जल गई है डाउनटाउन में सारी बिल्डिंग्स की, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने के में, बट इससे अभी भी उतना ही क्राउड दिख रहा था, और काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, फुल एनर्जी है उनमें, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ आके, काफ़ी मज़ा आया। कुछ चीज़ें हमने ट्राई भी करी तो टेस्ट वाइज भी सब कुछ अच्छा था, तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने आज। नाउ वी आर हेडिंग टू होम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग।